नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका और इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक भयानक घटना घट गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यूएस इंटेलिजेंस का डेटा लीक हो गया। इन्होंने एक बकायदा बोलते हैं ना सैटेलाइट से इमेजेस लिए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि देखिए इस तरह से इसराइल क्या करने वाला है, ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। अब दोस्तों वही डॉक्यूमेंट्स, वही डेटा क्या हो गया, लीक हो गया है। अब उससे क्या हो रहा है, ईरान वाले लोग मजाक कर रहे हैं, टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, बोले देखो हमको पता चल चुका है इजराइल किस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था। अब ये डेटा दोस्तों जिस तरह से ये लीक हुआ, तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा कंसर्न फॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपने रिसेंट में भी देखा कि नेतन्याहू के ऊपर के घर के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ, फिर ये डेटा लीक होना। तो ये बोलते हैं ना इजराइल के लिए, बोलते हैं ना कहीं कहीं देखा जाए, सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो अच्छा नहीं है, तो इससे इजराइल तो काफी दुखी होगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका की जो यूएस जियो स्पेशल एंड एनएसए है, ये क्या करते हैं दोस्तों, सैटेलाइट से कुछ इमेजेस लेते हैं और ये फाइव आइज के साथ में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसको भी चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिटेल में जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे जो ये इमेज है, इसको भी सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पे और उसके ऊपर टाइटल क्या दिया गया कि एयरफोर्स कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहा है कि किस तरह से ये ईरान के ऊपर क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अनऑथोराइज पर्सन ने, किसी एक अनऑथोराइज पर्सन ने क्या किया है, डेटा को क्या कर दिया, यहाँ पे लीक कर दिया है। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखते हैं क्या आता है आगे चल के खबर। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यूएस जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया था, एक नोट बनाया था कि इजराइल किस तरह से क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो किस तरह से वो अपने मिलिट्री असेट्स को एक प्लेस पे ला रहा है और किस तरह से वो मिलिट्री स्ट्राइक करने वाला है, कंडक्ट करने वाला है, क्या करने वाला है, वेपन्स और अम्यूनिशन को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, सारे इंफॉर्मेशन उसमें माना करके रखी गई। अब पता चल रहा है दोस्तों कि ये क्या किया गया था, फाइव आइज के साथ भी बोलते हैं डेटा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो फाइव आइज में आप जानते ही हो कि यूएस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये फाइव आइज आप जानते ही हो। इसमें पांच कंट्रीज है दोस्तों, ये इंटेलिजेंस के मकसद से बनाया गया है। तो इसी मकसद से आपने देखा होगा कि डस्टबिन ट्रूडो, जिनका नाम है चल में जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने भी बोलते हैं ना थोड़ा सा एलिगेशंस लगा दिए थे भारत के ऊपर कि देखिए अमित शाह रॉ मिल करके हमारे नुन्नू निज्जर सिंह, निज्जर हरदीप सिंह निज्जर को मारने की कोशिश की थी। बाद में इन्होंने बोला कि भैया खाली इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन थी, प्रूफ वूफ नहीं था, सबूत नहीं था, है ना चाचा। चलिए तो ये सब जो डिटेल्स आ रही है दोस्तों, ये बताया जा रहा था कि 1 अक्टूबर को जो ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो इसराइल किस तरह से ईरान से बदला लेने वाला था। दोस्तों अब ये भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो यूएस इंटेलिजेंस है वो सैटेलाइट्स के थ्रू क्या करती है, कुछ इमेजेस लेती है, तो उस इमेजेस को डेस्क पे रखती है और समझने की कोशिश करती है कि क्या जो चीजें हो रही है, अब इसराइल किस तरह से ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, तो उनके आर्म उनकी आर्मी कहाँ है, उनकी एयरफोर्स क्या कर रही है, मतलब पूरा एक डेटा एक टेबल पे रख देते हैं इमेजेस का और फिर एक कोशिश करते हैं कि प्रिडिक्शन मारते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ये आप बिल्कुल भी मत बोल दीजिए कि एकदम क्लियर है भाई साहब, ये जो डेटा मिला है ये डेटा वही बता रहा है कि इसी तरह से इसराइल क्या करने वाला है, ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। प्लस यहाँ पे अमेरिका के अंदर अलग एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया भैया, क्योंकि इतनी बड़ी बोलते हैं ना टॉप सीक्रेट किसी तरह से लीक हो जाना, तो उसके ऊपर भी चल रहा है भैया, कोई इंटेंशनली ये लीक किया गया या बाय मिस्टेक हुआ, या कोई बोलते हैं ना अंदर का पर्सन है जिसने ये लीक कर दिया, या कहीं आउटसोर्स कर दिया गया था, कोई हमारा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, उस पर भी यहाँ पे एकदम डिस्कशन चल रहा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि भैया पहले भी इनके जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि भैया सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस किसके पास में था और लास्ट में किसके पास में था, प्री और पोस्ट देख रहे हैं भैया कि ये डेटा का जो बोलते हैं एक्सेस किसके पास था, उस पर भी ये काम कर रहे हैं। देखिए ये डॉक्यूमेंट जो था ना, उसके अंदर कुछ खास चीजें भी थी। इसमें ये बताया गया था कि यूएस ने अर्ज किया है इसराइल को कि भैया फायदा उठाओ किस चीज का, जो आपने एलिमिनेट किया है हमास का जो लीडर था या सिनवार को आपने जो उड़ाया उसका फायदा उठाइए। उसका फायदा तो बाइडेन ने भी उड़ाया, इन्होंने बहुत शाबाशी उसे दी, गुड डे फॉर वर्ल्ड वो भी किया था। और प्लस कोशिश किया गया है कि यहाँ पे बताया गया इस डेटा में कि यूएस क्या कर रहा है, दबा रहा है इसराइल को कि भाई तुम सीज फायर के लिए रेडी हो जाओ गाजा के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते जा रही है। और ये भी बोला गया है भैया कि तुम बोलते हैं ना साउथ लेबनान में ज्यादा अंदर घुस करके मारो और मत, कुछ दिन रुक जाओ, इलेक्शन तो खत्म होने दो 5 नवंबर के, उसके बाद फिर देखा जाएगा। हालांकि बोलते हैं ना इसराइल का यहाँ पे स्टैंड एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, इसराइल बोल रहा है भैया हम रुकने रुकने वाले नहीं है, तुम बोलते हैं ना अपने तरीके से देख लो,
क्योंकि इसराइल का ये कहना है कि आज नहीं तो कल हम तो ईरान के ऊपर अटैक करने ही वाले हैं। प्लस यहाँ पे इसराइल ने भी बोलते हैं ना, मीडिया ने तो मजे लिए, बोलते हैं दोनों को, ये दोनों बोलते हैं ना इमेज यहाँ पे पब्लिश किया दोनों एक दूसरे को, मतलब सॉरी इस्माइल हानिया बोलते हैं ना सिनवार को किस करते हुए दिख रहे थे, तो बोलते हैं दोनों को स्वर्ग पहुंचा दिया 72 होरों के पास में। और प्लस यहाँ पे ये है कि चीजें कि अब खमेनेई के साथ में क्या होने वाला है, ईरान के साथ में क्या होने वाला है, तो अब इसराइल जरूर दोस्तों आज नहीं तो कल जरूर रेस्पॉन्ड देगा। और जिसमें चांसेस लगाए जा रहे हैं कि 5 नवंबर के बाद ही करने वाला है अभी, हालांकि बोलते हैं ना कि अभी इलेक्शन का समय नजदीक आ गया, बाइडेन का बहुत ज्यादा प्रभाव प्रेशर है इसराइल के ऊपर कि भैया अभी कुछ देर के लिए शांत बैठो, क्योंकि अगर आपने अटैक उटैक कर दिया तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पता नहीं आप क्या करने वाले हो, तो 5 नवंबर तक रुक जाओ, इलेक्शन वहां खत्म होने दो, उसके बाद फिर दो देना दो। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।